अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों किचन के बचे हुए कुछ चावल लेकर आया था मैं मुर्गियों को डालने के लिए, साथ मकई है। पहले मकई डाल देते हैं अपने पैरेट्स को। तो दोस्तों मकई तो मैंने डाल दी है, बाकी अब मुर्गियों को चावल वगैरह डाल। मुर्गियाँ हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, आप कोई बीमारी वगैरह नहीं है। बस एक ये आवारा मुर्गी जो कि आपको पता ही है कि ये साथ वाले प्लॉट में चली जाती है तो उधर भाग गई थी, अभी खैर आ गई। इसको भी केज के अंदर कर देते हैं। दोस्तों मुर्गे को भी बाहर ही निकाल देते हैं, मुर्गा थोड़ी देर घूम फिर ले मुर्गी के साथ साथ। तो दोस्तों मुर्गी और मुर्गे को बाहर निकाल के इनको चावल दे देते हैं, ये चावल खा लें। आ जाओ भाई, टूट पड़ो टूट पड़ो। तो दोस्तों जब तक ये अपना खाना पीना करते हैं, हम कबूतरों को भी खोल लेते हैं और कबूतरों के बच्चों को देख लेते हैं क्या हाल चाल है उनके। तो दोस्तों कबूतर भी हमारे बाहर निकल आए हैं माशाल्लाह से। अब हम जो है इनके बच्चों को देख लेते हैं, इनके बच्चों का क्या हाल चाल है। इधर तो दोस्तों माशाल्लाह ये एक बच्चा तो ठीक पल रहा है, लेकिन ये अंडा ख़राब हो गया, इसमें से बच्चा नहीं निकल पाया। ये बच्चा देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है अब तो। चलो भाई जाओ अपने। और ये वाला बच्चा भी दोस्तों माशाल्लाह से बेहतरीन है, बस इसके सर पे चोट लगी है। तो दोस्तों जहाँ चार कबूतर इकट्ठे रख दो, इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। खैर ये अंडा उठा के वेस्ट कर देते हैं और कबूतरों के लिए पानी रखते हैं, ताकि अगर ये नहाना चाहें तो नहा सकते हैं। दोस्तों कबूतरों के बच्चे तो ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। हम अपनी डव का बच्चा देख लेते हैं। ये माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितना बड़ा हो चुका है अब तो। इसके ऊपर सारे पर वगैरह आ चुके हैं, पहले इसकी आँखें तक नहीं खुली थी। ये माशाल्लाह से बड़ा क्यूट है। ये कॉकटेल की फीमेल बेचारी हमारी अभी तक अकेली है। दोस्तों मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए कोई अच्छा सा मेल ढूंढ कर लाऊं, लेकिन दोस्तों इसकी एज का ना तो हमें मेल मिल रहा है, ना ही इसके जैसा मेल मिल रहा है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है, मैं जल्द से जल्द इसके लिए मेल लाऊंगा और हम इसकी भी ब्रीड लेंगे। हाँ जी क्या हुआ, मकई डालिए खा लो। दोस्तों डव ने हमारी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अंडा दे दिया था। ये हुआ जिसका डर था दोस्तों, मैंने अंडे को हाथ लगाया उठा के, आप लोगों को भी दिखाया। इसने पता नहीं क्या समझा, तो इसको जब मैंने दोबारा अंडा वापस रखा थोड़ी देर बाद देखा तो इसने ये अंडा उठा के तोड़ दिया था। खैर अब इसने एक ही अंडा दिया हुआ और उस अंडे पर बैठी है, और ये सेम गलती मैं दोबारा नहीं दोहरा सकता। दोस्तों हमें इस अंडे में से इंशाल्लाह ताला ब्रीड लेनी ही लेनी है, जो मर्जी हो जाए। बाकी बजीज के और फिंचिस के बच्चों को देख लेते हैं। दोस्तों फिंचिस के दोनों बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, आज इनकी हंडियाँ भी मैंने साफ़ की थी। दोस्तों हंडियाँ तो इनकी मैंने आज साफ़ कर दी थी, माशाल्लाह से बच्चे भी ठीक हैं, कोई मसला मसाइल इनको नहीं है। कि बजीज के बच्चों को देख लेते हैं इनका क्या हाल चाल है। बजीज तो सारे ठीक हैं, बजीज के दोनों बच्चे माशाल्लाह ठीक बैठे हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मटकी में तो तीन बजीज के बच्चे थे, तो दो कैसे रह गए। दोस्तों हुआ ये कि आज सुबह जब मैंने आके इनकी मटकियों की सफाई की, सफाई करते वक्त मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो बीच में ही मर चुका था। पता नहीं उसको क्या हुआ, ठंड लगी शायद, क्योंकि आजकल दोस्तों मौसम इस तरह का हुआ हुआ है कि दिन में जो है वो गर्मी होती है और रात को जो है वो ठंड हो जाती है। अभी भी खैर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कबूतर भी देखे दोस्तों धूप में इंजॉय कर रहे हैं आराम से। दोस्तों बजट से मुझे याद आया कि आज ये वाली जगह भी हमने फ्री करनी है, कूलर को भी हटा देना है, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, कूलर की ज़रूरत है नहीं। और जगह इसलिए खाली करनी है कि दोस्तों आपको थोड़ी देर तक एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, और वो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी देर तक वो आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इनके लिए पानी भर के ला के रखता हूँ, ताकि अगर नहाना चाहें तो नहा सकते हैं। दोस्तों पानी ला के तो मैंने रख दिया इनके पास, अब आ रही है दोस्तों यहाँ की सफाई की। यहाँ से जगह वगैरह खाली कर लेते हैं, पहले इस कूलर को हटाते हैं इधर से। दोस्तों कूलर भरा हुआ है, इसका पानी पहले खाली कर लेते हैं। जब तक कूलर खाली होता है मैं ये चीज़ें वगैरह यहाँ से हटा लेता हूँ। दोस्तों इनके काम देखें, मैंने इनके लिए वो तसले में पानी भर के रखा है कि उधर नहाएं, ये लोग जो इस कूलर का पानी खाली हो रहा है वो उसमें से नहा रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों मुझे तो ऐसे खुले कबूतर देखना बहुत अच्छा लगता है, आपने कमेंट करके बताना है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। इस कबूतर रखने की वजह भी यही है कि मैं इस तरह इनको आज़ाद रखूं और ये इस तरह नहाते रहे। तुम्हें क्या हो गया, मुर्गी मुर्गे को दोस्तों मैंने बंद कर दिया था केज में, ताकि ये कबूतरों को तंग ना करें और कबूतर आसानी से अपना इंजॉय करें। दोस्तों यहाँ से जगह तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अब इंतज़ार है तो सिर्फ हमारे सरप्राइज़ का। इंशाल्लाह जैसे ही वो आता है तो मैं आपको मिलवाता हूँ।
तब तक के लिए आप हमारे जैक से मिलिए, हमारा जैक भी ऊपर आ चुका है। जैकू जैकू आजा मिठू, मिठू मिठू। हाँ जी हाँ, ऊपर आके शैतानियाँ आती हैं तुम्हें। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आके और परिंदों को देखता है और इसकी फिर चलाकियाँ देखने वाली होती है। गंदे बच्चे की, ए गंदे बच्चे की, हाँ क्या मसला है? नहीं बोलना, नाराज़ हो गए? नहीं नहीं दोस्तों, हमारा मिठू बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, सॉरी हमारा जैक बहुत अच्छा है। असल में दोस्तों, बचपन से इसका नाम हमने मिठू रखा हुआ था, लेकिन अब दोस्तों हमने इसका नाम चेंज करके जैक रख दिया, तो इसलिए वो अपना नाम पहचानता नहीं है ना। मिठू, आपका नाम मिठू है ना? मिठू, ये देखा दोस्तों मुझे काटियाँ कर रहा है, ये बड़ा गंदा बदमाश है, बड़ा गंदा बदमाश है ये। जा अपने केज में, कबूतर भी नहा के अब धूप सेक रहे हैं, ये धूप में अपना जिस्म सहला रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। चलो भाई अब घर चले जाओ। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारा सरप्राइज आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए हमारे क्यूट क्यूट बजीज आ गए हैं। और दोस्तों सबसे अहम बात कि इनकी कॉलोनी बनाने के लिए हमारे पास ये कॉलोनी भी आ चुकी है। ये दो पोर्शन वाला केज है, ऊपर हम बजीज की कॉलोनी बनाएंगे और नीचे हम कोई और चीज़ रखेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों ये आए हैं, अभी इनको रेस्ट करने देते हैं कुछ देर के लिए। इनकी मटकियाँ भी मैं अलग से ले आया हूँ, ये भी इस हवेली में लगाते हैं, फिर उसके बाद हम इन सब को इस केज में शिफ्ट करेंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे ये मटकी हमने नहीं उतारी, उसकी वजह ये है कि इस मटकी के अंदर एक या दो बच्चे हैं, कंफर्म नहीं है दोस्तों एक है कि दो हैं। बहरहाल एक बच्चा तो मुझे वाजे नज़र आया और उसके अलावा तीन अंडे भी हैं, इसलिए हमने इसको शिफ्ट नहीं किया। इस पेयर को अलग से शिफ्ट करेंगे, इसमें इसमें कर देंगे या इधर हमारे इस बजीज के साथ कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों जो सरप्राइज हमें मिलना था वो मिल चुका है। दो चार बजे से दोस्तों मेरा शौक पूरा नहीं हो रहा था, मेरी ख्वाहिश थी दोस्तों कि हम एक बड़ी सारी कॉलोनी बनाएं, लेकिन फिलहाल हमें यही मिला है। इस अभी इसमें इसकी कॉलोनी बनाते हैं, ये भी अच्छी खासी बड़ी है, आराम से इसमें रह सकेंगे सारे बजीज। तो फिलहाल के लिए इनको रेस्ट करने देते हैं, थोड़ी देर तक आता हूँ और आगे फिर इनको जो है शिफ्ट करेंगे। तो ये लें दोस्तों हमारी न्यू बजीज कॉलोनी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, बजीज भी शिफ्ट हो गए हैं इसमें और मटकियाँ भी लग गई हैं। आए तो दोस्तों ये इस केज में थे, लेकिन ये केज काफ़ी नाकस था, वजह से हमने ये वाला केज डिसाइड किया। दोस्तों ये अभी तो काफ़ी स्ट्रेस में है क्योंकि इनका घर बार बार चेंज हो रहा है, कल से जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके एक मटकी में बच्चे थे, लेकिन दोस्तों बार बार शिफ्टिंग की वजह से जो है ना माँ बाप ने बच्चों को मार दिया है, बच्चे भी मार दिए, अंडे भी तोड़ के फेंक दिए। खैर चले इंशाल्लाह ताला ये दोबारा ब्रीड करेंगे और यहाँ पे खुश भी रहेंगे। शाम भी दोस्तों ढलने वाली है, रात होने वाली है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।